हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे साइकोलॉजी के एमसीक्यूज। कुछ पुराने और कुछ नए एमसीक्यू, मैंने दोनों का एक कॉम्बिनेशन रखा है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ामिनर जो है आपके पेपर में, क्योंकि जो नॉर्मल आपके टॉपिक्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन डालता है, बट कुछ नए टॉपिक से भी क्वेश्चन उठाता है, तो इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ फॉर। और हाँ, जो भी बच्चे ने बोला था कि जैसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज और मेथड वाला, सिर्फ उसी पे फोकस वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो मैं कोई ऐसी बना दूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की अगर बात करें तो ये किस लिए यूज़ होता है? मेंटल प्रोसेसेस के लिए, बॉडी प्रोसेसेस के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, ये ए और सी दोनों के लिए। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है, जब हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड के बारे में बात करते हैं, उस टाइम का ये मेथड डेवलप है। इसके फाउंडर जो है विलियम वुंड को ही माना जाता है, और ये आपकी जो मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंस है, इन दोनों के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये आंसर तो आप सबको पता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बात बोली थी कि एक्सपीरियंस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस ला सकता हूँ। फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जो साइको एनालिसिस है, उस साइको एनालिसिस हो गया, बिहेवियरिज्म हो गया, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हो गया, या फिर आपका फंक्शनलिज्म हो गया, ये सारे के सारे, जब आपका सबसे पहला व्यू पॉइंट जो स्ट्रक्चरलिज्म आया वोंड के द्वारा दिया गया, उसी के क्रिटिसिज्म था या उसी से निकल के आए, मतलब उनके जो काउंटर, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपोजिट में भी हो सकता है, और उसी के फेवर में इसके बाद ये डिफरेंट स्कूल्स आए सारे, ठीक है। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन आ जाते हैं आपके? सिगमंड फ्राइड आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मानवीय ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को कौन से साइकोलॉजिस्ट बिलोंग करते हैं? मैश्लो हैं, कार्ल रॉजर हैं, दोनों या नन? तो मैश्लो और कार्ल रॉजर ये दोनों ही क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को बिलोंग करते हैं। मैश्लो की जो आपकी मोटिवेशनल थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने हायरार्की की नीड्स ऑफ हायरार्की दी थी, तो उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे कार्ल रॉजर, और उन्होंने भी फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप बाय। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया है? बीने ने, साइमन ने, दोनों ने, अनन? तो अगर बीने ही दे तो बीने, नहीं तो साइमर और बीने दोनों ही थे, तो बोथ आ जाएगा। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश इन इंडिया। अब ये तो आपको पता है कि पहली जो साइकोलॉजिकल लैब है ओवरऑल, वो तो किसने एस्टैब्लिश की थी? वोंड ने की थी। कब की थी? 1879 में की थी, लिप्ज़िग जर्मनी में की थी। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लैब जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो ये कलकत्ता में की गई थी। डेट आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ईयर क्या था उसका। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बॉर्न इन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो एक बिहेवियरिज्म का एक तरह से क्रिटिसिज्म करता है, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वो कहाँ पे बॉर्न हुआ? मतलब इसके अंडर जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जो आपको पता है मैक्स वर्डमियर हैं, कर्ट कुफा हैं, कोहलर हैं, तो वो सारे क्या थे? जर्मन थे, जर्मनी से बिलोंग करता है। मतलब वो बॉर्न जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, जो होल के बारे में बात करता है, आईक्यू के बारे में बात करता है ना, तो वो कहाँ से हुआ? जर्मनी से स्टार्ट हुई ये चीज़। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंडेड। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब फाउंड की गई? इन 1924। बुक का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। किसके द्वारा दी गई है? स्कीनर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक या वॉटसन? तो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जो बुक है वो किसके द्वारा दी गई है? स्कीनर के द्वारा। ये सारे ही आपके क्या हैं? बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। नेक्स्ट है कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग एक्सपीरियंसेस बोथ नन। कॉग्निशन जो है वो कैसी प्रोसेस है? तो कॉग्निशन को बोला गया है कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग। जो भी आपके ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये बात करते हैं। नेक्स्ट है डैश साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिज़िकल सिस्टम। कौन सी साइकोलॉजी है जो बिहेवियर और हमारा जो फिज़िकल सिस्टम है उनके बीच रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है? बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, न्यूरो या डेवलपमेंटल? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो आपके रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिज़िकल सिस्टम
पे फोकस करती है, ऐसे ही जो बाकी हैं वो अलग अलग चीज़ों में फोकस करती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न रिलेट नन बोथ। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, एजुकेशन से समझ आ रहा होगा, स्टडी करती है कि कैसे जो डिफरेंट एज के लोग हैं वो लर्न करते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट यू प्रेफर इफ़ ए चाइल्ड सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब आपको पता है अभिप्रेरणा या हमारे जो संवेग हैं, इमोशन है, मोटिवेशन है, उससे रिलेटेड बहुत कई बार हम बच्चा जो है या हम एज ए इंडिविजुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, डिफ़िकल्टी आती है हमें अपने इमोशंस को हैंडल करने में, या डीमोटिवेट हैं, कुछ भी है। तो ऐसे केस में अगर मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा है या आप पेरेंट हो, आपके घर पे बच्चा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, किस तरह के साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल, कम्युनिटी, स्कूल, अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे स्कूल में भी आप देखते हो कि स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम जब बच्चा फेस करे, मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम को उससे सफ़र करता है, तो किस तरह के बच्चे के पास, सॉरी, किस तरह के साइकोलॉजिस्ट के पास हम जाएंगे? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ इफ़ेक्टिव इन डिस्क्राइबिंग। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो किस चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है? बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, आईक्यू को, इंटेलिजेंस को, या नन? तो ऑब्जर्वेशन से ही मेनली हमें क्या पता चलता है, किसी भी बच्चे या पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज इन विच मेथड। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स या सिंपली वेरिएबल्स का यूज़ कौन से मेथड में किया जाता है? ऑब्जर्वेशनल, कंडीशनिंग, एक्सपेरिमेंटल या रेटिंग स्केल। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है, जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड या मतलब नेचुरल और कंट्रोल्ड दोनों ही वेज में हो सकता है। आपने याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल्ड हो सकता है, वो कंट्रोल सिचुएशन है, या नेचुरल में हो सकता है, जिसमें डिफरेंट दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रहेंगे आपके। नेक्स्ट है, द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या नॉर्म्स। तो जब क्या करें आप, कंसिस्टेंट है बच्चे का स्कोर, ठीक है, क्या किया, जो भी है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका सेम टेस्ट लिया अलग अलग ओकेजन पे, पर जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट रहता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है रिलायबिलिटी का। बट आपको ये बाकी जो टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं, है ना, जो भी मतलब कंडक्ट कर रहे हैं मान लो आपके टेस्ट को, एग्ज़ाम को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सेम लोगों पे क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, है ना। तो मान लो दो अलग अलग जो टीचर ही मान लो दो अलग अलग टीचर हैं, वो सेम बच्चों का क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है आपका कि जो दोनों ही हैं वो सेम वैल्यूज़ ऑलमोस्ट बोल सकते हो, ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू पे पहुँच रहे हैं हर ग्रुप या हर पर्सन के लिए, तो जो टेस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। और वैलिडिटी का मतलब हो गया कि मतलब जो टेस्ट है वो किसी रीज़न की वजह से हम लेते होंगे, है ना, तो वो जो टेस्ट है जो हम मेज़र करना चाहते थे उस टेस्ट से, वो मेज़र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, मतलब कर पा रहा होगा तो हम बोलेंगे वैलिड है टेस्ट हमारा, ठीक है। और नॉर्म्स से मतलब आ गया कि जो भी नॉर्मल या एवरेज परफॉर्मेंस है ग्रुप की, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, नॉर्म का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो रिलायबल है, डिफरेंट ओकेजन पे भी लिया, सेम ही कंसिस्टेंट रहता है, जो भी एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका स्कोर तो रिलायबल हो गया। दो रिसर्चर्स हैं अलग अलग, उन्होंने क्या, दो रिसर्चर्स हैं सेम ग्रुप पे, वो टेस्ट लेते हैं और उनका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, सेम वैल्यू मतलब गेन करते हैं दोनों रिसर्चर या टीचर, तो ऑब्जेक्टिविटी आ गया। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो भी एम है, अगर वो टारगेट हमारा फुलफ़िल हो रहा है कि किस लिए किया था ये, तो वो वैलिड हो गया। और नॉर्म का मतलब जो भी नॉर्मल या एवरेज परफॉर्मेंस है पूरे ग्रुप की, बच्चों की, वो क्या आ जाता है, उसका नॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द टेस्ट विच इज़ यूज टू असेस द अंडरलाइंग एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बाय अलाउइंग हिम सफिशियंट टाइम इज़। अब आप क्या कर रहे हो, टाइम सफिशियंट दे रहे हो, बट एबिलिटी को चेक करना है बच्चे की, तो इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, पावर टेस्ट कहा जाता है।
बट जब इसके कंपैरिजन में स्पीड को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उसे स्पीड टेस्ट कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या मैंने पावर वाला रखा था इसके जगह स्पीड वाला भी पूछ सकता है, तो स्पीड आंसर होगा उसका। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आर, जैसे क्या है आपके, हम जीन्स के बारे में बात करते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव की, या नन। तो न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन से समझ आ रहा होगा नर्वस सिस्टम की क्या आ जाएगी, बेसिक यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ, सॉरी चलेगा क्या, डैश न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, 12 बिलियन, 12 मिलियन, 10,000 अननोन। तो मेडिकल वाले बच्चों तो इसका आंसर कर पाएंगे, आर्ट्स वालों ने याद रखना है 12 बिलियन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज, जो सेरिबेलम है इससे रिलेटेड मैंने ब्रेन और उसके पार्ट्स से रिलेटेड आपको वीडियो करा रखी है, अगर वो अभी तक नहीं देखी है उसे भी चैनल की वीडियोज़ में जाके एक बार चेक कर लेना। तो जो सेरिबेलम है वो किसको कंट्रोल करेगा, पॉस्चर को, मेटाबॉलिज्म को, लैंग्वेज को, या सभी को। तो जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल करता है पॉस्चर या इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म किसको करता है, लैंग्वेज किसको करता है, ये कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट है डैश कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। अब एग्ज़ाम में जो है या तो मास्टर मतलब ग्लैंड वाला या माइंड वाला, एक आधा इनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रख देता है एग्ज़ामिनर। तो जैसे मास्टर ग्लैंड है वो किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को, या नन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसे कहा जाता है, सॉरी मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पेनक्रियाज सेक्रेट्स हार्मोन नोन एज, पेनक्रिया जो है वो सेक्रेट करता है हार्मोन, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन, GTA, कॉर्टिकॉइड्स, या थायरोक्सिन। तो जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, किस तरह के हार्मोन को सेक्रेट करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है, ठीक है। इंसुलिन जो है उसका काम क्या है, फंक्शन भी आप याद रख सकते हो। इंसुलिन जो है हेल्प करता है लिवर की, जो ग्लूकोज है उसके ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का बॉडी के यूज़ के लिए उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए वो क्या करता है, हेल्प द लिवर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर यूज़ बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज़ द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन द इंडिविजुअल लाइव्स। अब ये जो क्वेश्चन है इकोलॉजिकल थ्योरी है आपकी, ब्रॉनफेन ब्रेनर ने जो दे रखी है उससे क्वेश्चन है आपका। तो इमीडिएट इन्वायरमेंट से मतलब जो भी कोई भी इंडिविजुअल है, बच्चा है, वो डायरेक्ट जिनके कॉन्टैक्ट में आता है, जिस सिस्टम के कॉन्टैक्ट में आता है, उसे कहा जाता है माइक्रो सिस्टम। ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर आपको चेक करनी है आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो बाय चांस। मतलब अभी HP टैट में तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा एग्ज़ामिनर, बट पूछ भी सकता है बिकॉज बाकियों में पूछता है दूसरे जो स्टेट्स के एग्ज़ाम। नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रॉस मोटर स्किल। अब जो मोटर स्किल्स हैं वो दो तरह की होती है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल। तो इनमें से आपने बतानी है कि जो नहीं है ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब इनमें से जो ऑप्शन है एक फ़ाइन मोटर स्किल है, ग्रास्पिंग, सिटिंग, राइटिंग, रनिंग। तो ग्रास्पिंग, सिटिंग, रनिंग ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, है ना। फाइन बिल्कुल बारीक जो आ जाती हैं, तो वो क्या आ जाती है आपकी, राइटिंग आ जाती है, ठीक है। मतलब राइटिंग यहाँ पे आंसर होगा, नहीं है ग्रॉस मोटर स्किल, ये फाइन मोटर स्किल है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कंक्रीट थॉट्स रिप्लेस्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स इन। जो कंक्रीट थॉट्स हैं वो रिप्लेस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स से, कौन सी स्टेज में, सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट में, या फॉर्मल। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर बाद में आपको बता दूँगी, ठीक है। पहले आप मुझे बताना कि इन चारों में से किस स्टेज में ऐसा होता है। जीन पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उससे ही क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोगों को मैक्सिमम को इसका आंसर पता होगा ही, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और बाकी भी अभी मैं ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरा टारगेट यही है कि जो भी इस तरह का
अलग से जो नॉर्मल टॉपिक से हट के क्वेश्चंस हैं वो जितना हो सके मैं मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।